गत 18 अगस्त को करनाल मेरठ रोड पर स्थित मंगलोरा गांव में चार ब्राह्मणों की नृशंस हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने व मामले में पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही की मांग को लेकर आज पानीपत के ब्राह्मण समाज ने रोष प्रदर्शन कर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही की मांग की। देखिए, आज जो ये बीजेपी सरकार है, ये हरियाणा में ब्राह्मणों के बलबूते ही इन्होंने सरकार बनाई थी, हमारे ही लोगों को आगे करके ये सरकार बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन जब से सरकार बनी है, इन लोगों ने जो एकमात्र निशाना हमें बनाया है, पूरे ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का कोई भी मुद्दा इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। सबसे पहले HSSC बोर्ड ने हमारे लोगों को काले ब्राह्मण के नाम पे जो क्वेश्चन पूछा गया पूरे हरियाणा में, उसको निलंबित कराया गया, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर उसको ज्वाइन कराया गया। अब जो उसके बाद हमारे जो लोगों की हत्या करवाई गई है मंगलोरा में, अपराधियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीजेपी सरकार पूर्णतया तरीके से हर मोर्चे पे असफल रही है। अगर उसके यही हालात चलते रहे तो आने वाले चुनाव में पूरा ब्राह्मण समाज बीजेपी का बहिष्कार करेगा और इन लोगों को इनके असली औकात हम लोग याद दिलाएंगे। हम लोगों ने इनको वोट दे कोई गुनाह नहीं किया था। सारी जातियों का हमारा आरक्षण समाप्त किया, हर तरीके से हमारी जाति को जमाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे ब्राह्मण समाज में इस चीज को लेकर आक्रोश है और अगर इस 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा लेवल पे स्टार्ट होगा, ब्राह्मण एकता। हाँ जी सर, ये 18 तारीख की रात को करनाल में मेरठ रोड मंगलोरा गांव में हमारे चार ब्राह्मणों की जो पूजा पाठ करके वहां पर हवन यज्ञ कर रहे थे 36 बिरादरी की भलाई के लिए, उनकी निर्मम हत्या की गई। जीव काट के उनके खाट से बेड से बांध कर उनकी बुरी तरह एक कसाई की तरह उनका कत्ल किया गया। आज तक सरकार के किसी भी नुमाइंदा उनके घर तक नहीं गया है, ना उनका बिरली, और आज तक किसी भी मुजरिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए ब्राह्मण समाज में इस चीज़ का आक्रोश है। अगर सरकार ने अब तक अपनी नींद में सोरी तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार जाग जाए, नहीं तो ये हरियाणा लेवल का एक आंदोलन खड़ा होगा और आंदोलन में सरकार को इसका रिजल्ट सरकार जानती है कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन हमारी सरकार से ये याद जोड़कर विनती है कि जो जिसने हमारे भाइयों का मर्डर किया है, उनकी निर्मम हत्या की है, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। और इसी में ये पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज पानीपत का आज DC साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देना है ताकि सरकार इस पे कार्रवाई करे। हमारे पीड़ित समाज को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। क्या नाम आपका? मैं राम रतन शर्मा, उगराखेड़ी पानीपत से। सॉरी कि पीड़ित परिवार को हमने ज्ञापन में भी लिखा है कि उसको 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि परिवार को दी जाए।